नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 अगस्त। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,12,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 2,884 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1,12,759 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 74, अरवल में 44, औरंगाबाद में 49, बांका में 27, बेगूसराय में 103, भागलपुर में 70, भोजपुर में 58, बक्सर में 39, दरभंगा में 55, पूर्वी चंपारण में 181, गया में 78, गोपालगंज में 36, जमुई में 22, जहानाबाद में 54, कैमूर में 23, कटिहार में 86, खगड़िया में 42, किशनगंज में 54, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 53, मधुबनी में 115, मुंगेर में 46, मुजफ्फरपुर में 173, नालंदा में 74, नवादा में 26, पटना में 422, पूर्णिया में 104, रोहतास में 118, सहरसा में 108, समस्तीपुर में 36, सारण में 98, शेखपुरा में 37, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 113, सिवान में 60, सुपौल में 46, वैशाली में 37, पश्चिम चंपारण में 59। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 84,578 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 568 लोगों की जान जा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाहिर की अपनी खुशी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज करवाए गए मामले पर बिहार पुलिस द्वारा उठाए गए कदम एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत और उचित ठहराया गया है। मुझे भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और जल्द ही न्याय मिलेगा। पूरे देश में सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट का होगा प्रावधान। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको लेकर बीते दिन अहम फैसला जारी कर दिया है, जिसके तहत अब देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक ही कॉमन टेस्ट का आयोजन करवाए जाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अभी तक सभी युवा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अपना दाखिला करवाने के लिए कई सारे टेस्ट से होकर गुजरते थे, लेकिन अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। नौकरी के लिए अब एक ही परीक्षा काफी होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। बिहार के सपूत लवकुश शर्मा और खुर्शीद खान की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर में बारामूला में जान गंवाने वाले बिहार के 2 सीआरपीएफ जवान की आखिरी यात्रा में भारी लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। दोनों जवान के अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किए गए। जान गंवाने वाले लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार उनके 7 वर्षीय पुत्र ने की। वहीं इन दोनों जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौके पर कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं रोहतास के खुर्शीद खान के अंतिम यात्रा में भी उनके गाँव में कई लोग जमा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नजर आए खुश। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके परिवार वालों को बीते दिन बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले की बागडोर सीबीआई संभालेगी, जिस पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय की उम्मीद जगाता है। बिहार पुलिस के मुखिया के तौर पर इस फैसले का स्वागत करता हूं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार पुलिस के हर कदम को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। वहीं अब इस पूरे मामले में न्याय मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां अब होंगी और ज्यादा सुरक्षित। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को अब और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में अब लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ इमरजेंसी बटन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, व्यवस्था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत बस, कैब, टैक्सी के लिए होगी। इससे सफर करने वाली महिलाएं और लड़कियों को किसी तरह की गड़बड़ी का आभास होने पर इमरजेंसी बटन दबाने पर कंट्रोल कमांड सेंटर में अलार्म बजने लगेगा। इस पर तत्काल पुलिस मदद के लिए वहां पर पहुंच जाएगी, जिसकी शुरुआत राजधानी पटना से होने वाली है। बीते दिन पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र की पहली पुण्यतिथि पर स्मृति का हुआ लोकार्पण। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की पहली पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में एक वेबसाइट का लोकार्पण एलएन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर के सभागार में मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष नीतीश मिश्र ने किया है, जिसके तहत नीतीश मिश्र ने बताया कि जगन्नाथ मिश्र हमेशा से बिहार के विकास के लिए समर्पित थे। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर www.jagannathmishra.in वेबसाइट को उनकी स्मृति में शुरू किया गया है, जिसमें लोगों तक, खासकर की युवा पीढ़ी तक, उनके काम और विचार को पहुंचाया जा सकेगा।
जम्मू कश्मीर में शहीद दोनों जवानों के परिवारों को सरकार देगी आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के बारामुला में बिहार के दो जवानों के बलिदान के बाद बिहार सरकार ने उनके परिवार वालों की मदद करने का फैसला लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के तहत जान गंवाने वाले जवानों के परिवार को सरकार की तरफ से 36 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, जान गंवाने वाले जवानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही गई है। आपको बता दें, जान गंवाने वाले जवानों में रोहतास के निवासी खुर्शीद खान और जहानाबाद के लवकुश शर्मा का नाम शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तहकीकात करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस ने अपनी जांच की पूरी डायरी सौंपी सीबीआई को। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को मिली जीत के बाद बिहार पुलिस भी इस पूरे मामले में सीबीआई की मदद करने की हर संभव कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि मुंबई जाकर के सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस की तरफ से किए गए हर जांच की कॉपी बीते दिन सीबीआई को बिहार पुलिस ने सौंप दी है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले के अगले ही दिन केस के अनुसंधानकर्ता निशांत कुमार ने दिल्ली जाकर इस पूरे मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सौंप दिए थे। आज चंद्रिका राय समेत राजद के 3 विधायक की हो सकती है जदयू में एंट्री। राजद में जदयू की बेदखलंदाजी का सिलसिला जारी है, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय समेत 3 कद्दावर नेता जदयू में आज एंट्री ले सकते हैं, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह सभी नेता आज जदयू के विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही राजद के विधायक फराज फातमी और पटना से सटे पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव भी राजद के नाता तोड़कर जदयू में शामिल होने वाले हैं। जदयू कार्यालय में इसके लिए आज दोपहर 2:30 बजे लगभग मिलन समारोह का आयोजन भी करवाया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आयशा शर्मा की। आयशा शर्मा पेशे से एक अभिनेत्री और मॉडल है, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा की बहन भी है। आयशा शर्मा का जन्म 24 जनवरी 1989 को बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग नोएडा से पूरी की थी। वहीं उन्होंने अपने करियर में कई एड फिल्मों में भी काम किया है, साथ ही उन्होंने आयुष्मान खुराना की एक बारी गाने में भी काम किया है। 2024 से मेट्रो की सवारी कर सकते हैं पटनावासी। सभी पटनावासी साल 2024 से मेट्रो की सवारी कर सकते हैं। पटना में मेट्रो से जुड़े काम को अगले 4 साल में पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रायोरिटी कॉरिडोर, जो कि राजेंद्र नगर स्टेशन से ISBT तक है, उसे 3.5 साल में चालू करने का लक्ष्य फिलहाल रखा गया है, जिसमें कुल 26 स्टेशन है, जिसमें 13 एलिवेटेड और 13 अंडरग्राउंड बनाए जाएंगे। वहीं पटना मेट्रो के 2 स्टेशन के बीच की दूरी औसतन 1.5 मीटर तय की गई है। वहीं कॉरिडोर के दोनों तरफ 20-20 मीटर की दूरी में नए निर्माण के लिए PMRCL से NOC लेने का निर्णय लिया गया है। बिहार के 2 IAS और IPS अधिकारी को दी गई नई जिम्मेदारी। बिहार के 2 IAS अधिकारियों और 1 IPS अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। संतोष कुमार मल्ल को अगले आदेश तक सचिव लघु जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है, जिसके बाद अमृत लाल मीना अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। वहीं IPS अधिकारी दिनेश सिंह बिष्ट को अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शोभा अहोटकर को अगले आदेश तक बिहार परामर्शी बिहार राज्य योजना परिषद के पद पर पदस्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परिवार वालों के हित में आए फैसले पर सुशांत सिंह के परिवार वालों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। परिवार ने मीडिया के सामने आकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक लिखित बयान जारी किया है। सुशांत के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर मीडिया तक हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने इस मामले में न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद की है, खुशी जाहिर की है और देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी पर इस मामले की जांच करने का भरोसा जताया है। बिहार के 20 जिलों को जल्द ही मिलेगी 263 पुलों की सौगात। बिहार में 20 जिलों को 263 पुलों की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले चरण के तहत करीब 493 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 किलोमीटर की लंबाई में 166 पुल बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा पुल जमुई जिले में बनाए जाएंगे। इसके बाद गया जिले में 31 पुल का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं कटिहार जिले में 22 पुल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण के तहत करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से किशनगंज और अररिया जिले में 97 पुल बनाए जाएंगे। इन पुलों के बनने से ग्रामीण इलाकों में आवागमन बेहतर होगी, जिसके बाद केंद्र सरकार से इस महीने स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में पितृपक्ष मेले के आयोजन नहीं करने के फैसले पर नाराज दिखा पंडा समाज। बिहार में इस साल पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण विभाग ने यह फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने राज्य के पितृपक्ष मेले को कोविड-19 से बचाव और राज्य में लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया है। हालांकि मेले के स्थगित होने के बाद गया का पंडा समाज नाराजगी जाहिर कर रहा है।
बिहार के दो खिलाड़ी नजर आएंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते। बिहार के दो खिलाड़ी समर कादरी और हर्ष विक्रम सिंह का चयन आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स में हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार के जाने माने रणजी क्रिकेटर समर कादरी और हर्ष विक्रम सिंह का चयन आईपीएल 2020 के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कर लिया है, जिसकी जानकारी राजस्थान रॉयल्स की टीम मैनेजर रोमी भिंडर ने मेल करके दी है, जहां पर रोमी भिंडर ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी को यह जानकारी दी है। बताया गया है कि बिहार के दोनों प्रतिभावान चयनित रणजी खिलाड़ी समर कादरी और हर्ष विक्रम सिंह को 20 अगस्त से 10 नवंबर 2020 तक संघ की ओर से अनुमति प्रदान करने और छुट्टी देने का भी आग्रह किया गया है। चार दिनों में मौसम के सामान्य होने के बाद बारिश की संभावना घटी। इस साल बिहार में सामान्य से 86% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून सत्र ने रफ्तार पकड़ी थी, बारिश की औसत में लगातार गिरावट होती गई है। अगस्त महीने में मौसम शुष्क रहने से बारिश का औसत लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। अगस्त के पहले हफ्ते में जहां बिहार में 38 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी, वहीं अब हफ्ते में कम बारिश होने से सामान्य से 37% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। चार दिन तक मौसम शुष्क रहने की वजह से बिहार में सामान्य से 30% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पटना, गया, बेगूसराय, नालंदा, नवादा सहित बिहार के 21 जिलों में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। बीते दिन गया पहुंचकर स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ली व्यवस्थाओं की जानकारी। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत बीते दिन गया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 मरीजों को दिए जाने वाली व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने प्रशासकीय भवन में डीएम अभिषेक सिंह समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और साथ ही उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा गया जिला का अस्पताल ज्यादा सुविधाजनक है और यहां की व्यवस्था भी संतोषजनक है। जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने की एक बार फिर से सरकार को जगाने की कोशिश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद तोड़ने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि आए दिन वो सरकार की गहरी नींद पर टिप्पणी करते नजर आए हैं। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी और उसी का परिणाम था कि 40 दिन से सोए बिहार सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जागना पड़ा था। आशा है कि अब एक तय समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा। पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर कसा तंज। पीएम केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसके तहत पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के निर्देश को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम केयर्स फंड के पक्ष में फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राहुल गांधी के झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया है। दुनिया में किसी पार्टी में ऐसा नेता नहीं होगा जो इस कदर खुलेआम झूठ पर झूठ बोलकर अपनी और अपनी पार्टी के साथ और इज्जत दोनों को बार बार मिट्टी में मिलाता होगा। बक्सर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मतदान केंद्रों में कोरोना केंद्र बन जाने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन बक्सर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग के फैसले को एक बार फिर से विरोध किया है, जिसके तहत प्रेस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान बिहार सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही में विफल साबित हुई है। इस बार का विधानसभा चुनाव एक बड़े परिवर्तन का वाहक बनेगा। मौजूदा परिस्थिति में चुनाव करवाना बिल्कुल भी सही नहीं। यदि चुनाव होता है तो सारे मतदान केंद्र कोविड-19 केंद्र में बदल जाएंगे, जहां पर संक्रमण बड़ी तेजी से फैलेगा। चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिया बयान। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और जदयू के बीच रस्साकसी अब खुलकर सामने आ गई है। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के बहाने एक बार फिर से जदयू को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सभा का आयोजन करवाना जदयू के लिए संभव हो सकता है। लोजपा की सभा में इतने ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री के पास इतनी व्यवस्था होती है कि वो इसका पालन करवा सकते हैं, लिहाजा लोजपा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभा करवाना थोड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव ने की फिर से राजगीर में बन रहे फिल्म सिटी को सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के नाम को दोहराते हुए सरकार से मांग की है कि जिसके तहत उन्होंने फिर से सरकार को राजगीर में बन रहे फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की बात कही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसके लिए मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुशी हुई है। यह बिहार की जनता नहीं, बिहार की जनता और सुशांत के फैंस की जीत है।
जॉब सर्च के लिए गूगल ने अपने नए ऐप को किया लॉन्च। गूगल ने जॉब सर्च को आसान बनाने के लिए एक नए ऐप को लॉन्च किया है, जिसके तहत गूगल बीते दिन अपनी जॉब लिस्टिंग ऐप कोरमा जॉब्स को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद 2019 में इसका विस्तार इंडोनेशिया में किया गया है। कोरमा जॉब यूजर को सुविधा भी देता है और लोग अपना डिजिटल CV आसानी से बना सकते हैं। यह जानकारी कंपनी ने एक पोस्ट के जरिए दिया है। इसके साथ ही ऐप से लोगों को जॉब ढूंढने में मदद मिलेगी। इसके मुकाबला माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन समेत कई इंडियन बेस्ड जॉब सर्च पोर्टल जैसे नौकरी और टाइम जॉब से भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राहुल टेक्नीशियन, रमेश कुमार, मोहम्मद असलम, नीतीश कुमार, रमेश कुमार, नौशाद खान, राम कुमार मेहता, धर्मजीत कुमार, प्रिया भारती, नंदन कुमार, पिंकी कुमारी, असलम राज, रंजीत कुमार, मिस्टर परफेक्ट कुमार, कमलेश कुमार, मनीष कुमार, अमित कुमार, नीरज कुमार, संदीप गुप्ता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से CBI को सौंपे जाने पर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने की कितनी संभावना बढ़ गई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।